एगो हिंट चाहिए था, क्योंकि आप लीगल आदमी हैं, हैं? इलीगल तो नहीं है, आप लीगल हैं, रिलेटेड टू इलीगल, इसीलिए एक आया है मेरे हमारे बाबूजी के पास, गांव में पहुंचा था लेटर, ये न्यायालय जिला नीलाम पत्र पदाधिकारी बोकारो, चेतावनी नोटिस, नीलाम पत्र मुँह संख्या स्टेट बैंक इंडिया बोकारो, बकाया ऑक्शन के लिए आया है, बकाया रकम जो है बकाया रकम जो है 1 लाख से कुछ ओवर है, हाँ 1,13,000 कुछ है, अलावे सूद एवं तलवाना, इसमें लिखा हुआ है कि बकाया राशि का भुगतान अधोहस्ताक्षरी न्यायालय में जमा करना सुनिश्चित करेंगे, अन्यथा आपके विरुद्ध जब्ती कुर्की या गिरफ्तारी वारंट निर्गत कर संबंधित थाना को भेज दिया जाएगा। वाद की अगली तिथि 24 जनवरी 2023 को है। जिला नीलाम पत्र पदाधिकारी पुकारो। बाप के चलते तो हम ऐसे ही परेशान हैं, समझे? आज से 25 साल नीलाम का है, ऑक्शन का है। 25 साल पहले PMRY लोन लिए थे हमारे पिताजी, हम लोग किसी को पता नहीं था, हम लोग तो थे 6-7 साल के, हाँ छोटे से, हाँ तो हम लोग कुछ पता नहीं, कब बहुत कर्ज ले चुका था ये, हम लोग कितना मतलब भरपाई कर चुके हैं इससे पहले भी, अब फिर से एक आ गया है इसका, तो हम सोचे कि फिर आ गया है, तो वही कह रहे हैं कि हम कह रहे थे कि इन मेरे जो एक बड़े पापा हैं वो रिसीव कर लिए, वही कहना था हमको कि रिसीव करना ही नहीं था, लेटर को रिसीव करना ही नहीं था, क्योंकि पोस्टमैन बाद में लिख देता कि नहीं पाया गया, पते पर लोग मौजूद नहीं था, वो ले करके आप वो वहीं पे लौट जाता है फिर, इस तरह हम लोग काम किए हैं तो हम लोग पता है, हाँ, है, हाँ। और इस तरह से करता भी है बहुत आदमी, अब रिसीव कर, हाँ रिसीव कर लिया है, तो वो मेरे बड़े बाबूजी क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि जो इनके नाम से थोड़ा बहुत जो प्रॉपर्टी जो भी है, मतलब अगर ज़्यादा भी है ना तो क्या करेगा, क्या मेरा भाई बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है कि सब जो इसके नाम पे है ना बेच देंगे और दे देंगे, ठीक है, और मतलब ज़्यादा भी, और बाद में क्या, हाँ बोल दिया कि बोल दिया क्या, हम तो सारा भेज क्या बोलते हैं भेज दिए तुम्हारे ये पे नाम पे जो था, मतलब कम अमाउंट में वो जितना भी इसका ज़्यादा भी अमाउंट का जो प्रॉपर्टी है वो भी साथ में चला जाएगा, हाँ हथिया जाएगा, तो गलत है, है ना, जिस जहाँ पर है ना, हाँ वहाँ बेहतर है कि मिली है किससे, जहाँ बुलाया गया है, एक लोक अदालत लगता है, लोक अदालत में हम लोग पिछले बार गए थे, आज से 4-5 साल पहले गए थे, उस समय बाबू जी गया था तो बोला था कि 70,000 दीजिए निपट लीजिए खत्म कीजिए कहानी, आज से 5-6 साल पहले, तो मैं बाबू जी को उनने उसके पास कहाँ से पैसा रहेगा, तो छोड़ दिया, तो भूल गया, हम लोग 5 साल पहले यहाँ तो थे नहीं, फिर से आ गया है, तो ऐसा इसको क्या फिर से मान लीजिए 24 तारीख जो लिखा है ये 24 तारीख को 24 जनवरी को सच में ये क्या कुर्की के लिए आ जाता है ना ये आदमी, 24 को नहीं जमा होगा, 24 के बाद आएगा, 24 के बाद आएगा, उसको जाके आप लोगों को हाजिर होना है, कहाँ पे, बैंक में, कहाँ बुलाया, बैंक नहीं बुलाया होगा, नीलाम पदाधिकारी जो होंगे जो उनका पता दिया गया होगा उन पर, अच्छा ऑक्शन, नीलाम का मतलब ऑक्शन करने के लिए दे दिया गया है, अच्छा तो वो अपना कुछ कागज पत्र भी जमा किए थे PMRY के अगेंस्ट, PMRY ये अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा किए थे, तब ना इनके नाम से कुछ नहीं निकल रहा, सब वहीं पर है इसका कुछ, सब सर्टिफिकेट आज से 25 साल पहले सब जमा कर दिए, इसका डॉक्यूमेंट सब गया काम से, इंटर सर्टिफिकेट सा, अजीब आदमी है ना,
और माता जी कैसे हैं अभी? उनसे बात नहीं होता है ना, कितना दिन से बात नहीं हो। कैसे जीती हैं अकेले बिना बाल बच्चा के? बाल में वो भाई रहता है मेरा, वही थोड़ा वो ध्यान रखता है उसका। खाना हम जब थे ना वहाँ पे तो हमको तो सुबह में सबका खाना बना के निकलना पड़ता था ड्यूटी में। सुबह में खाना बनाते थे सबका चारों का, उसके बाद फिर निकलते थे डिलीवरी में। पहले सब बीमार तो नहीं रहे शरीर से? है बीमार भी रहती है नहीं ना? बीमार उतना ज़्यादा नहीं, नखरा भी बहुत ज़्यादा है उसका, दिमाग से एकदम पूरा यही है, डिस्टर्बेंस है। शुरू से ऐसा था? जब तो देखे हैं वैसे। बाप को, बाप कुछ बात उतनी है ना है? मैंने बाप का भी कोई मतलब नहीं है कि बाल बच्चा बाप, से अच्छा से बतिया है। अच्छा से बतिया है वो तो पूरे डिस्टर्बेंस है दोनों का, दोनों तो क्या बोलेंगे। बाप तो एकदम और ज्यादा है, इन लोग होता है ना कि झेलने वाला, तो वही झेल आप लोग झेल। हाँ बोलो भाई। हाँ और क्या कर सकते। तो इसमें मतलब कि ये कर देगा ना? हाँ कंप्रोमाइज़ कराता लोग अदालत, फिर भेजवाता, फिर बोलते कि कुछ भी नहीं है। वो अपने जाते बोलते कुछ भी नहीं है, पत्नी मेरी मेंटली डिस्टर्ब है, तो जो हम 5-6 हज़ार रुपये कमाते हैं उसी का इलाज कराते हैं, हम दे ही नहीं पाएंगे। तो बहुत ज़्यादा होगा तो कंप्रोमाइज कर देगा, 1 लाख का है तो आराम से 20-25 हज़ार में कर सकता है। 20-25 हज़ार? हाँ 20-25 हज़ार मात्र? हाँ मिल जाए आपको अच्छा कोई आदमी कराने वाला तो कर देगा। कहाँ किससे मिलना? वकील लोग से मिलना पड़ता है। वकील लोग से होता है? होता है। अच्छा तो वकील को देना पड़ेगा ना? हाँ कुछ लेगा तो भी 70 हज़ार के बदले 30 हज़ार में हो जाएगा तो अच्छा ही ना है। अच्छा अच्छा मतलब कि कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, वकील से ही बात करना पड़ेगा इसके लिए। ये अलावे बोल रहा है, मतलब 1,13,000 मेन पैसा है इसका, सूद बोलता है अलावे। बकाया रकम है 1,13,754 रुपया, अलावे सूद एवं तलवाना। अलावे हाँ मैंने सूद और तलवाना जो है वो अलग से है। अच्छा अलावे बोल रहा मतलब कि अलावे मतलब कि इसके बाद। अच्छा सूद दिया अलग है, अलग और है। अच्छा बाप रे बाप, सूद कितना चढ़ा होगा रे बाप। वही तो, कितना पैसा लिए थे पीएम आरवाई में? 1 लाख। 1 लाख इतना मिलता था 25 साल पहले? हाँ मिलता था, कोई दिला दिया होगा सला एजेंट, क्योंकि पीएम आरवाई इतना आसानी से नहीं मिलता था। एकदम नहीं, वो कोई एजेंट दिलवा दिया है आपके बाप को, एजेंट कुछ पैसा खाया होगा लिया होगा उसमें से, बाप भी ऐश मौज किए होंगे पैसा लेकर। ऐसा ऐसा बाप को मन करता कूट दे साला, चुकाने का हैसियत। उल्टा हम ही को बोलेगा कि हाँ बाप गई घर को बर्बाद कर दिया, हम ही को उल्टा बोलेगा सही है। मैं कितना भलाई करो उसका कोई नहीं वैल्यू, घर को बर्बाद कर, खाना काहे का देते हैं उनको बना के, भूखे मरने दीजिए। इस तरह कितना बार हो चुका है तो क्या बोलते हैं उस समय तो खत्म हो जाते हैं आदमी कोरोना में। हाँ कोरोना में बच नहीं पाता हम तो, वो कह रहे हैं पूरे ना पूरा सेंट खत्म हो गया था, नाच सेंट पूरा किसी चीज़ का स्वाद वाद सब खत्म। हाँ सब खत्म हो गया था, पूरा तरह से पता चल गया था यही है, चल नहीं पा रहे थे, चल नहीं कुछ खा नहीं पा रहे थे। हमको भी 10 दिन से सेंट नहीं मिल रहा है। अब जाके थोड़ा सा बाप रे बाप, अब जाके आज ओ से वो तो आपका सर्दी है इसीलिए सर्दी का फिर सुहाग मिल रहा है। कितना सब्जी दिए, इतना बढ़िया बना के आलू गोभी मटर का कौन
प्रसाद जी की पत्नी, प्रसाद जी की पत्नी कल भी ला दी थी, परसों भी कढ़ी बड़ी बजका एक बार, फिर दूसरा दोबारा बजका ला रही हूँ ना, कर्जा कैसे चुकाएंगे हम। फिर बोल के कल गएंगे बर्तन थोड़ा सा एकदम चिंता मत कीजिए कि देना ही है कुछ भी, सो बेटी जब आएगी बनाएगी तो दीजिएगा हमारे। अच्छा तो वही उनको देने के लिए सब फल ले आए हैं, बना के नहीं देंगे तो ऐसे देंगे ना। जेब में पैसा एक रुपया है नहीं, है ना, और शान बड़ा बड़ा रहता है। किसका? बाबू जी का। हाँ हम हाँ। क्या बोलते हैं कि हम, मेरे पास पैंट, हम सोचे पैंट जा रहे थे खरीदने के लिए कल, अभी मैं खरीद लिया, वो देवन ला देंगे, मेरे बाबू जी कचरे कसम दिए हैं, कल जा रहे थे सुनिए शर्ट और पैंट का कपड़ा जा रहे थे धुंधी पर कह दे थे, है ना, तो हम बोले कि गाड़ी की चाबी दो, तो हम बोले कि पैंट लेने जा रहे हैं, तो वो हम तो बोल रहे हैं क्या कि मेरा भी जीन्स लेते आना। और ही सर तो बोलते हम शान में रहेंगे तब ना हमको आदमी पूछेगा। हाँ जेब में एक रुपया है नहीं, तो पूछने चला आदमी। अच्छा वो दिखने में नॉर्मल भी नहीं दिखते हैं। तो हम बोले कि एक तो हम बोले ना कि अभी मेरे पास कहाँ टाइम है, तो उतना उतना करने का हमको जल्दी लौटना है, तो जा भाग जा, जा, जा। ऐसे बतियाते हैं ना। अच्छा ऐसे देखने में वो नॉर्मल नहीं लगते हैं? मैं नॉर्मल आदमी, अजीब तरह से देखते रहना, हड़बड़ाते रहना, ऐसे रहना। अच्छा नॉर्मल नहीं दिखते होंगे। भाई कैसा है, वो नहीं दिखे आपके भाई? वो नहीं आते हैं ना? आते हैं भाई, आता है, कभी दिखाइएगा हमसे। हटक हटक लंबा चौड़ा भी है, छोटा है ना। हाँ माँ होगी थोड़ी सी हेल्दी है, लंबी है, माँ ही सबसे कम हाइट में है। हाँ आप माँ पे गए हैं? हैं आप माँ पे गए होंगे? माँ मेरे यहाँ तक आती है, यहाँ तक। हाँ तो आप माँ पर गए हैं। हाँ वो तो फीमेल है इसीलिए हाइट में कम है ना, और आप माँ के ही लंबाई पर चले गए हैं, आपने माँ का जीन है। जैसे ही सुने बाप रे बाप, गिरफ्तारी वारंट क्या क्या सुन ली कल, मैं चक्कर आ गया है। कुर्की देने दीजिए, घर में से निकाल देगा मैं को। मिल लीजिए किससे? पेपर लिखे सलावती लोग कम ठगता नहीं है रे भाई। मेरा भाई हमको है? आपका भाई तो कोटे में ना काम कर रहे हैं जी। हाँ मेरा भाई हमको प्रेस कर रहा है कि पैसा दे दो, नहीं तो ना वो क्या करेगा, मेरा बड़ा बाबूजी इसके नाम से जो भी है ना सामान प्रॉपर्टी, हाँ मतलब कि 1 लाख के बजाय ज्यादा का प्रॉपर्टी बेच कर, 6 लाख का बेच देगा। हाँ बेच देगा, बाद में क्या बोलेगा, हथिया लेंगे, बेचेगा नहीं है, सब रख लेगा अपना नाम पर करा लेगा। अब बाद में बोलेगा तुम्हारा तो सब क्लियर कर दिए बेच करके। तो यही आप भी कहाँ से पैसा लिया है, बड़ा पैसा कॉम्प्रोमाइज करेगा तब ना, थोड़ा बहुत जाना पड़ेगा ना, उसके लिए डेट लेना पड़ेगा, लोक अदालत लगता है उस दिन, जाना पड़ेगा। लोक अदालत किस महीने में लगता है ये बताइए? नहीं हम कोटे नहीं जा रहे, दिमाग अच्छा दिमाग, अभी तो डेट निकला होगा, हो सकता है 24 को डेट मत हो लोक अदालत का, ये कोई वकील के पास जानकारी हो सकता है ना, ये तो बता ही देंगे। अच्छा 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 हाँ ऊपर वाले में उससे तब उन्हें जानकारी ले सकते हैं, उनको पूछिए है। उनको पूछिए कि लोग अदालत कब लगेगा सर, सुन के जो है ना दिमाग फ्यूज हो गया है एकदम, कैसे नहीं है हो ही जाएगा, हमेशा ही ना कोई एकदम टांग अड़ा के रख दूसरा में काम।
देख रहे हैं आपके ऊपर वाले पूजा कर रहे हैं। हम पापी आदमी का मन नहीं कर रहा। हेलो, मीटिंग में नहीं हो? यार मीटिंग में ही मैं पूछ ही रहे थे। बाप रे, मैं इसका कौन बड़का मीटिंग चल रहा है बाप रे बाप। नहीं, मैम आने वाली है ना, मैम आई थी, वार्डन आई नहीं, उनके साथ है। दो दिन पहले भी हुआ था, अंदर में से कोई नहीं था, तो वही फिर आया कि क्या बोलते हैं, अटेंडेंस कंपलसरी है। और क्या बोलते, नाश्ता क्या था तुम लोग का? आज हम नाश्ता नहीं, कि पेट खराब हो गया था रात में, चना थोड़ा हजम नहीं हुआ। और था क्या वैसे नाश्ता? पराठा और पूरिया। तो अभी पेट कैसा है? ठीक है। अभी खिचड़ी मिलेगा ना? तो कल तो खिचड़ी का रात में खाएंगे। अरे हाँ, शनिवार है, खाएंगे रात में। अयप्पा मंदिर तो खाएंगे, लेकिन अभी चढ़ा दे रहे, हम नहाए नहीं है। तो वहाँ के घर में नहा के रात में भगवान जी का भोग लगा देना। छाती में पूरा लग रहा है, कुछ जाम करके रख दिया गया है। कल 12 बजे रात में हम खाना बनाए हैं, उज्ज्वल है, उनको बता रहे हैं 12 बजे भात खाए बैठ के। अभी आपको क्या कुछ नहीं खाने का मन कर रहा है? कुछ नहीं, जैसे सॉफ्ट चीज कुछ एक भी चीज नहीं। तो है तो सर्दी में ऐसे खाने का मन नहीं करता, लेकिन खाना तो पड़ता ही है। कपड़ा वहीं पहन लो, ठीक है, मीटिंग खत्म होते ही मेस में खा लेना, 12:30 बजे भी निकल जाओगे तो अच्छे है। ठीक है ना? ठीक, अपना कपड़ा सब पहन के निकलो, जो कपड़ा सब धोने वाला सब है सबको डाल दो। डाल दीजिए बाल्टी में, ट्रॉली में। ठीक है, और मंगलवार को चल जाना। नहीं बेटी, नहीं बेटी, नहीं मम्मा, प्लीज प्लीज। अच्छा देखो ना, हो सकता है कैंसिल हो जाए तुम्हारे क्लास। नहीं कैंसिल होता है, पटना से कैंसिल नहीं करते हैं क्लास। चलो फिर भी हम मंडे को ही जाएंगे। चलो सब सुशक्ति जी की कृपा। चलो ठीक है, जाओ जाओ मुझे पहले। हाँ ठीक है, सुशक्ति जी से सुशक्ति जी से कुछ अजीब तरह का दुनिया में नहीं मिलता खाने के लिए। अजीब अजीब तरह का मिलता तो खाते तो थोड़ा पेट ठीक लगता है, पूरा पेट। अब फिर बोलो ना, अभी तक हम 3 बार शायद जा चुके हैं, लेकिन फिर जाएंगे। ब्रेड रखा हुआ है, आप क्या बनाए हैं खाना? गोभी का सब्जी चावल। गोभी ठीक से देख के बनाते हैं ना? कल पीलू निकला था, चेक करते हैं ना। धोने का लोग बोलता है गोभी को ये में धोना चाहिए गर्म पानी में। हम छत पर जाने के लिए बैठे हैं तो लाइन नहीं है। तो क्या दिक्कत है, हम चला देते हैं। है? उसको बंद कर देना, हवा क्यों खिला रहे हमको? चला देते हैं, चलिए। थोड़ा मान लीजिए धूप उप लगेगा तो हो सकता है कुछ मन करेगा बाद में, धीरे धीरे खाने का।
बाजरा का रोटी खाना चाहिए सर्दियों के मौसम में। बाजरा मकई का ना, ना बाजरा अलग होता है। अच्छा, सर्दी जुकाम होने से फेफड़े की सफाई भी हो जाती है? नहीं, मेरा फेफड़ा ही साफ हो गया है। फेफड़े का सफाई नहीं हुआ, फेफड़ा साफ हो गया, फेफड़ा खत्म हो गया है। यहाँ इतना तो प्रॉब्लम लगता है, जैसे कुछ मैं है ही नहीं अंदर में। इतना इतना खांसी में चोय चोय आवाज करता है, मेरा फेफड़ा एकदम हम उठ के बढ़ जाते हैं, अपना कान में सुनाता है। इतना कमजोर हो गया खांसते खांसते। खांसी का डॉक्टर लोग कहेंगे बस कि कोई बीमारी नहीं, खाली गला का इन्फेक्शन है, थ्रोट इन्फेक्शन हो जाता है। दो सप्ताह के अंदर अपने आप सही हो जाता है सर्दी। लिखा हुआ है कहीं कुछ अजीब चीज नहीं मिलेगा खाने को। ओट्स वगैरह खाइएगा। थोड़ा धूप में बैठे बैठिए ना मैडम जी, तब ना कुछ मन करेगा धीरे धीरे। चलिए धीरे धीरे। हाँ, आपको करना क्या, खाली यहाँ से तो वहाँ तक चलना है, बाद बाकी लिफ्ट अपने काम करना है। वो तो है, मन नहीं मानता है लेकिन करना ही पड़ता है सर्दी। मन नहीं मानेगा कि मतलब बिना भोग लगाए हम खाएंगे, ओ तो इसीलिए कर ही लेते हैं। आप जब आपको आवाज देंगे तो ऑन कर दीजिएगा। बोलेंगे